अस्सलाम वालेकुम। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इस साफ सुथरे मौसम में जबकि बादल का नामो निशान भी नहीं है, मैं ये छतरी लेकर क्यों खड़ा हूँ। तो बात दरअसल ये है कि मैंने एक वीडियो देख लिया जिसमें इंतहाई खूबसूरत ट्रिक एक लड़के ने किया इस अम्ब्रेला से, जो कि देख के बहुत कूल लगी है। मेरा दिल ललचाया कि यार इसको जल्द से जल्द मैं सीख लूँ। हवा इतनी कोई तेज है कि इसमें छतरी को मोड़ गए। ओहो, कोशिश तो मेरी थी कि मैं इसी छतरी को रिपेयर कर लूं, पर इसकी वायरस इतनी बारीक है कि जोर आजमाया कि इसने टूट ही जाना है। मतलब कि एक नई इन्वेस्टमेंट अभी करनी पड़ेगी। पहले दिन में हमने सिर्फ अपनी छतरी तोड़ी है और अभी दूसरा दिन है और जबरदस्त किस्म की एक नई छतरी परचेज की जिसकी वायर्स काफी मोटी है और उम्मीद है कि यह अभी इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। ये तो खुलना ही भूल गई बेचारी, इस लॉक को भी साथ साथ मैनेज रखना होता है। ये गई। ज्यादा आगे फेंकनी है ताकि चलते चलते इसको पकड़ना भी है। छतरी असल में गिरने नहीं देनी, बाकी जो मर्जी हो जाए। आके बच दिए यार। वीडियो एक दफा उसको दोबारा देखते हैं। उसके अंदर सीन ये है कि जिस टाइम वो फेंकते हैं ना, जो तीसरा ये जो टर्न आ रहा है, तीसरा टर्न, उस टाइम ये तकरीबन पूरा खुल चुका होता है, जबकि हमारी तो पहले ही खुल जाती है। जैसे तैसे करके कैच हो गया। ओके, आज है थर्ड है और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। असल में जो फोर्स इस पे लगानी है ना, वो कैलकुलेशन जरा रट जाए तो फिर कभी थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लग जाती, कभी ताकत थोड़ी कम। तो तीन कंजेक्टिव कैचेस करने हैं अपने स्किल को कंप्लीट करने के लिए। फाइनली आई एम डन विद दिस स्किल। चार दिन में फाइनली ये ट्रिक सीख लिया और दिल तो बहुत ज़्यादा था कि बारिश नसीब होती, पर अगले 5-6 दिनों में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। यहीं पर इसको फिर एंड करते हैं और जब बारिश मिली तो इसको ज़रूर मैं तो ट्राई करूँगा। इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी पसंद की स्किल मैं सीखूँ तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अवैस मिनहास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।